अगर आपको भी हमारे नए वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे बटन को जरूर दबा दें। चंद्रयान 2 से संपर्क इसरो का टूटा और बेचैनी पड़ोसी मुल्क को होने लगी। जुबान फवाद चौधरी की लड़खड़ाने लगी। जी हाँ, ये जनाब है पाकिस्तान के विज्ञान तकनीक मंत्री। साइंस का ककहरा भले ही महाशय को पता नहीं, लेकिन चले दुनिया के सबसे कठिन मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी करने। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क अभी टूटा ही था कि जनाब ने ट्वीट करके अपनी नीचता दिखा दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना, डियर इंडिया। जनाब इतनी हड़बड़ी में थे कि इंडिया को इंडिया लिख डाला। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के इस मंत्री की खूब लानत मलानत होने लगी। लेकिन इनकी बेशर्मी यही नहीं रुकी। पीएम मोदी जिस वक्त इसरो के चेयरमैन के सिवन और उनकी टीम की हौसला अफजाई कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान के इस मंत्री ने एक और ट्वीट कर लिखा, मोदी जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे कि वो राजनेता के बजाय अंतरिक्ष यात्री हों। लोकसभा को उनसे पूछना चाहिए, एक गरीब देश के 900 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद कर दिए। जिस मुल्क में दहशतगर्दी ही मिशन हो, वो क्या जाने अंतरिक्ष मिशन क्या होता है। लिहाजा आसमान की बुलंदियों को छूने के नाम पर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने देश के लोगों को जमकर मूर्ख बनाया। 1961 में पाकिस्तान ने अपना पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन बनाया, जबकि भारत ने बनाया 8 साल बाद 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। लेकिन पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट 1990 में छोड़ा और वो भी दूसरे देश की मदद से। लेकिन भारत ने तो इसरो बनाया और 6 साल के अंदर ही 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेज दिया। और हाँ, जहां हिंदुस्तान ने हमेशा ही वैज्ञानिकों को सम्मान और तरजीह दी और इसरो का प्रमुख कोई महान वैज्ञानिक बनता रहा है, वहीं पाकिस्तान अपने स्पेस कमीशन का मुखिया सेना के अधिकारियों को बनाता रहा है। अब जिस देश का अंतरिक्ष विज्ञान भी आतंकवादियों से भरी फौज का मोहताज हो, उसका तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकते। मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। या हमारी फौज तैयार है, हमारी फौज तैयार है कि किसी किस्म का आजाद कश्मीर पे इन्होंने कुछ भी किया तो हम इनके इनके लिए तैयार हैं। इसरो ने अंतरिक्ष का परिचय भारत को करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान है कि आतंकवाद से अपना परिचय छोड़ने को तैयार नहीं। और अगर फवाद चौधरी जैसे मंत्री पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता।